सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे थे और हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दिव्यानंद जी, एक भव्य उद्घाटन, भव्य आयोजन यहां पर किया गया है। एक बार फिर से हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं दीपोत्सव के जरिए। 24 लाख दीपोत्सव इस बार दिए जलाए जा रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि इस बार अयोध्या की नगरी त्रेता युग की याद दिलाती है। बिल्कुल, पहले तो पूरे देशवासियों को, पूरे हिंदू समाज को, पूरे चैनल को आपका भी साधुवाद। इतना अच्छा कार्यक्रम आपने बनाया है, जन जन तक पहुंचा रहे हैं आप। ऐसा ये देखने का क्या है, ये तो लग रहा है त्रेता में हम पुनः वापिस आ गए। जो किताबों में, शास्त्रों में जो पढ़ा था, आज वो साक्षात फिर उसको हम लोग उसे पिक्चराइज कर रहे हैं बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, 500 वर्षों के बाद श्री राम का अवतरण पुनः हुआ है। 5,500 वर्षों के पूर्व दीपावली मनाई गई थी जब श्री राम आए थे लौट कर, और आज पुनः 500 वर्षों के हमारे झगड़ा पट्टी करने के बाद कितने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, सीढ़ी पे बैठे रहे हम, और अंत तो गत्वा हम विजयी हुए। लोग पूछते थे, आज उनके भी एक बार स्मरण कराना चाहूं कि तारीख कब बताओगे, काल्पनिक है, उन लोगों का मुंह काला हुआ और श्री राम का अवतरण पुनः हुआ है। अब तो लग रहा है कि सड़कों पर लोटू, धूल में लोटू, अब जो भी अपने कोई व्यक्त करना मुश्किल लग रहा है कि अपने नेत्रों से हम श्री राम का दर्शन पूरा कर रहे हैं और 5,500 वर्ष की पुरानी कथा उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। आज का पीढ़ी देख रहा है श्री राम का अवतरण। हम तो पूर्ण रूप से इन्हें श्री राम का ही, श्री राम लला का अवतरण मान रहे हैं, क्योंकि जो 5,500 वर्ष के पहले जो उनका हुआ था स्थूल रूप में, आज वो पुनः उसी अयोध्या में श्री राम लला के रूप में पुनः आए इतने संघर्ष के बाद। तो ये दीपोत्सव तो बढ़ता जाएगा। योगी जी को भी जितना भी साधुवाद दिया जाए, उन्हें धन्यवाद दिया जाए, उनकी कृतज्ञता व्यक्त की जाए, ये बहुत कम है। कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं कि भगवान ऐसे अवतारू पुरुष को भेजकर इतना बड़ा काम, श्री राम का काम में ये लगे हैं, काज में लगे हैं, और पूरा देश, पूरा विश्व को देख रहा है, पूरा राममय है पूरा विश्व। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जो सनातन को नहीं भी मानने वाले हैं वो भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है, और वो गीता पढ़कर, श्री राम की कथा सुनकर, उनके मन में भी लालायित, मन वो भी लालायित है इस दर्शन को देखने के लिए। और बाहर से भी मेरी बातें हो रही है दूसरे देश से, सभी लोग इस दृश्य को देखकर अभिभूत है, भाव विभोर है। कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि कैसे व्यक्त किया जाए और किस पागलपन से कैसे उत्सव को मनाऊं। ये लग रहा है कुछ भी करने को तैयार हूं। आज वो दिन हमारा आ गया है, आज हम वही दीपावली मना रहे हैं जो शास्त्रों में पढ़ा था कि श्री राम के लौटने के बाद दीपावली मनी थी। हम तो साक्षात देख रहे हैं श्री राम आए और ये दीपावली मन रही है, और फिर 22 जनवरी को फिर दोबारा दीपावली हम मनाएंगे। जी गुरु जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज पूरी दुनिया राममय हो गई है, और ये जो 24 लाख हम दिए जलाने जा रहे हैं इसका ताप पूरी दुनिया महसूस करेगी। लेकिन गुरु जी आपसे समझना चाहेंगे, अब हिंदुस्तान जो भारत देश और भारत की धरती है, ये विश्व गुरु बनने जा रही है, और इसकी वानगी है ये कार्यक्रम। जब एक बार फिर से हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जब एक बार फिर से 500 साल का इंतजार राम भक्तों का खत्म होने जा रहा है और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, इस राम मंदिर को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ये राम मंदिर मात्र सिर्फ राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी भारत और हमारी सनातन की आन, सनातन की बान, सनातन की शान, यह भी ये दर्शाया जा रहा है प्रतीक के रूप में। ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी सफलता है, विजय है, और हम विश्व गुरु हिंदू राष्ट्र कहने में संकोच नहीं, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। और भारत विश्व गुरु था और पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं, इसी की आगाज है। इसे देखकर विधर्मियों का कलेजा फटेगा, और अपने देश के अंदर भी जो श्री राम के ऊपर उंगली उठा रहे थे, आज उनसे प्रश्न करना चाहिए उस काल्पनिक श्री राम के बारे में जो कोर्ट पे राम के विरुद्ध खड़े थे, जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा हमें, भाई आधी रात को भी दरवाजा खोला गया था किसी मामले को लेके, लेकिन हम तो नाक रगड़ते रहे 500 वर्ष बाद, किंतु श्री राम ये परीक्षा ले रहे थे, और हम उस संघर्ष के बाद
हम विजय हुए और ये मंदिर तो बहुत बड़ा हमारा संकेत है, पूरे विश्व को संकेत दे रहा है कि भारतवर्ष क्या है, सनातन क्या है, ये श्री राम की धरती है। आज सभी के मुंह में दही जम गए और तो कोई उत्तर नहीं है। आज हम ओतप्रोत हैं और हम एक एक कदम प्रतिदिन अब तो हम बढ़ते ही जा रहे हैं। ये आगाज पूरे विश्व को जगाएगा और हम पूरे विश्व में शांति, पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना करेंगे, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व भी आज भारत के दरवाजे पे अपना माथा टेकता है। आज हमें भी हमारे प्रधानमंत्री को कोई बॉस बोलता है, कोई भाई बोलता है, कोई गॉड फादर बोलता है, यानी पूरे भारत वर्ष की शान है। वो तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, तो पूरे देश की शान है ये। और हमारे श्री राम जब आ गए साक्षात रूप में, अब तो हमें कोई रोक नहीं सकता। अब तो बच्चा बच्चा श्री राम बोलेगा जी। जी, एक लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलता रहा और उसके बाद भारत के तमाम संत समाज की अथक परिश्रम और मेहनत का ये नतीजा रहा, परिणाम ये रहा कि उनकी जो मेहनत थी वो सफल हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी को राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापना होगी उसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें संत समाज की भी बहुत बड़ी जीत है आचार्य जी। बिल्कुल, भारतीय संत समिति की ओर से विश्व हिंदू परिषद के केंद्र के माध्यम से पूरे संघर्ष में मेरा सौभाग्य, ये जन्म मेरा सफल हुआ। मैं भी एक गिलहरी से भी छोटा एक प्रयास मेरा रहा, मैं तो अभी भूत हूँ, मेरा जीना इस जन्म में आना मैं सार्थक मानता हूँ। इसके अलावा अब मेरी कोई अभिलाषा भी नहीं मेरे जीवन में है, बस मंदिर की प्रतीक्षा थी। मंदिर अपने नेत्रों से हम देख रहे हैं, मेरा जन्म में आना, मानव तन पाना मैं सफल मानता हूँ। श्री राम के चरणों में जी, भगवान श्री राम का संबंध न सिर्फ अयोध्या से है बल्कि छत्तीसगढ़ से भी है, नेपाल से भी है, श्रीलंका से भी है। हम कहीं भी नजर उठाकर देखते हैं तो आज चारों तरफ जो है वो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। विदेशों में भी भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, भगवान श्री राम की पूजा करने वाले लोग हैं, तो भारत और जो बाहर के देश हैं तमाम जगह ये देखने को मिल रहा है कि आज भगवान श्री राम का ये पर्व जो है, उनके वापस आगमन का जो पर्व है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज तस्वीरें भी सामने आई जब संत समाज की भी पूजा अर्चना की गई, तो भगवान श्री राम का और संत समाज का क्या ताल्लुक है आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं और उन्होंने मर्यादा की रक्षा की, अपनी नीति पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने नीति का ही एक हमेशा दृष्टांत प्रस्तुत करते रहे। जिस प्रकार श्री राम एक राजा राम कहा जाए, युवराज राम कहें, एक राम पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, सभी रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और आज हम श्री राम को राजा के कारण नहीं पूछते, उनकी मर्यादा, उनकी पुरुषोत्तम होने के कारण हम पूछते हैं। तो सबसे बड़ा दृष्टांत तो श्री राम इसीलिए है। और संतों से जोड़ने की बात यह है, आप देखिए कि वो तो स्वयं भगवान प्रभु और जितने भी ऋषि मुनि के आश्रम में जब वो गए वनवास के बीच में अंतर्गत, तो ऋषियों को मालूम था कि तो भगवान साक्षात स्वयं है, फिर भी ऋषि मुनियों को किस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया, एक तुल्य सम्मान देना, उनके चरणों में अपना मस्तक रख के प्रणाम करना, यह एक बहुत बड़ा हमारा सिखलाता है कि हमारा धर्म क्या है, सनातन क्या है, श्री राम क्या है और ये श्री राम की धरती क्या है, आज हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो संतों को किस प्रकार उन्होंने ऋषि मुनियों का कैसा सम्मान दिया, जबकि वो ऋषि मुनि जान रहे हैं साक्षात भगवान है, श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, हमारी कुटिया में भगवान पधारे हैं, उन्हें मालूम था, फिर भी उसके बावजूद भी अपनी सरलता के साथ भगवान हमेशा प्रस्तुत रहे याचक के रूप में संतों के समक्ष, ये बहुत बड़ा शिक्षा है। यही हमारा सनातन है, यही सनातन की पवित्रता है, सनातन की विशालता है, यही सनातन की महानता है। और ये सनातन कहते हैं तो हमारे तो भाई सनातन के अगर हम कहें आज के शब्दों में, आज के बच्चों के लिए शब्द को उपयोग कर रहा हूँ, समझदार जी, जी ये समझना पड़ेगा, श्री राम को समझना है। और ये श्री राम को जिसने समझ लिया, ये जीवन जिसने एक बालक का जन्म होता है 16 संस्कार में, सभी संस्कारों लोग के अंतिम संस्कार तक श्री राम का नाम लेते हैं, उनके बिना कोई उपाय नहीं है, तो राम का नाम लेने से भी जीवन धन्य हो जाता है। हम तो बस राममय, पूरा विश्व आ जाए, पूरा विश्व
सनातन हिंदू भारत नहीं, अयोध्या नहीं, पूरा विश्व अभिभूत है। जो श्री राम को नहीं मानने वाले हैं वह भी देखकर लालायित है और बहुत अभिभूत है। और जो सनातनी है उनका तो कहना ही क्या, उनकी तेवर तो कुछ और बात है। तो बोधा लग रहा है सड़क पर लौटू क्या करूं, कैसे मैं खुशी व्यक्त करूं, जितना भी कर रहा हूं जितना फाड़ के श्री राम निकलेंगे ऐसा लग रहा है। ये बात कहने में कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या की भूमि से संत समाज का एक पुराना नाता रहा है, एक पुराना लगाव रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज शुरुआत हुई है अयोध्या की भूमि पर भगवान श्री राम के आगमन को लेकर जो उल्लास लोगों में देखने को मिल रहा है, और इसके बाद फिर 22 जनवरी के बाद जो अयोध्या की सूरत बदलेगी, उसके बाद संत समाज के लिए वो एक पर्यटन स्थल ना रहकर बल्कि एक दैवीय स्थल के रूप में सामने निकल कर आएगा। लेकिन ऊपर में कुछ डस्ट पड़ गए थे, आज वो डस्ट की सफाई हो रही है। अब नीचे का सिक्का, जैसे पानी के अंदर में हलचल होता है तो नीचे का सिक्का दिखता नहीं है। यदि किसी टेबल के ऊपर में एक ग्लास लगा हुआ है, नीचे भगवान की कोई फोटो लगे हुए है तो डस्ट के कारण दिखता नहीं, एक पोछा लगाने के बाद भगवान का दर्शन होता है। आज वही स्थिति है, वही श्री राम की धरती वही थी 5,500 वर्ष पूर्व भी। बीच में भी जो बीच का मध्य का कालखंड था वह भी रहा और आज भी है। अब इसकी गरिमा तो और बढ़ गई, अब तो युग युगांतर तक जब तक सृष्टि है तब तक यह रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। जी स्वामी जी, इसके अलावा आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके से सनातन धर्म पूरे विश्व से संबंधित रखता है, आज भी अगर मैं बात करूं शिवलिंग की, तो शिवलिंग ऐसी चीज है जो पूरे विश्व भर में देखे जाते हैं, क्या अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या एक बार फिर से पूरे विश्व के लिए धर्म का केंद्र स्थापित होगा? हो चुका, मैं तो बोला हो चुका। आज देखिए विदेशों में भी आप देख रहे होंगे, सभी दर्शक देख रहे होंगे टीवी के माध्यम से या व्यक्तिगत उनका कोई संबंध है तो भी देखिए। आज ही अभी एक घंटे पहले स्कॉटलैंड बात हुई है मेरी, तो स्कॉटलैंड में भी वहाँ हमारे भारत के एक अपने कोई हमारे अपने व्यक्ति गए हुए हैं, उन्होंने कहा यहाँ उत्सव लग ही नहीं रहा है कि मैं भारत से बाहर हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं भारत में हूँ, अयोध्या में हूँ और वही दीपावली और किस प्रकार के वहाँ मनाए जा रहे हैं। और ये कई दो तीन देशों में मेरी बात हुई है और टीवी के माध्यम से बाकी माध्यम से भी देखा जा रहा है, अब तो बच्चे भी अपने मोबाइल में बैठे देख सकते हैं। तो ये केंद्र रहा है और है, और पुनः कभी तो विश्वगुरु की हम कल्पना कर रहे हैं तो विश्वगुरु था, विश्वगुरु है जी। और पूरा देश यदि पूरे विश्व भारत को मानने लगे, देखिए G20 में देखने को मिला कि पूरा विश्व किस प्रकार भारत के समक्ष अपना बड़ी श्रद्धा के साथ दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ रहा है। कोई तो मैं बोलूंगा कि वो तो किस प्रकार से हमारी चौखट से माथा टेक रहा है जी, भारत के पवित्र भूमि पर। तो यही तो सबसे बड़ा हमारा ये दृष्टांत है, ये पूरा केंद्र है पूरे विश्व में, और ये इस मंदिर के बाद ये पूर्ण रूप से देखा जाएगा, जिनकी आगाज देखने में है। और आज का दिन ये तो ऐतिहासिक दिन है, पूरा विश्व देख रहा है कि अभूतपूर्व अकल्पनीय अवर्णीय इस दृश्य को देखकर कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि कैसे इसे वर्णित किया जाए। बिल्कुल स्वामी जी, और हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या में आतिशबाजी हो रही है। ये आतिशबाजी हमेशा से लोगों ने विदेशों में देखी है, लेकिन इस बार अयोध्या में इस तरीके की आतिशबाजी हो रही है कि लोग देखकर हैरान हो गए हैं। एक धर्म गुरु होने के नाते स्वामी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आस्था की नगरी अब अयोध्या बनती जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ राजनीति भी देखने को मिल रही है? कुछ समय पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक अयोध्या में की तो विपक्ष द्वारा कई सारे सवाल खड़े किए गए। देखिए विपक्षियों के बारे मुझे शोभा नहीं देता है कुछ बोलना, लेकिन दुख के साथ और इनके ऊपर दया आती है। ये विपक्ष वाले लोग अब कहीं के रहने गए, मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है सीधा सीधे रूप में, मैं किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ। जो राष्ट्र का काम करता है, जो हिंदुत्व की बात बोलता है, जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, वैसे दल का मैं समर्थक अवश्य हूँ, उसका प्रशंसक अवश्य हूँ। तो देश में जिस प्रकार की जो पार्टी काम कर रही है उसका प्रशंसक हूँ, उसका समर्थन कर रहा हूँ। तो जो विरोधी है, मैं तो बताया ना श्री राम को काल्पनिक बोलते थे, मैं क्षमा चाहूंगा, बोलने में रोक नहीं पा रहा हूँ, इन दुष्टों का मुंह काला हुआ है। अभी अयोध्या जाने में इनको शर्म आएगी,
इनको लग जाए ये किस मुंह लेकर जाए। जी बिल्कुल स्वामी जी, वापस से आएंगे आपके पास, आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को दिखा दे कि ये आतिशबाजी अयोध्या में हो रही है। ऐसी आतिशबाजी हमेशा आपने विदेशों में देखी होगी, लेकिन इस बार अयोध्या में ऐसी आतिशबाजी की लोग देख कर हैरान हो रहे हैं। हमें रिकॉर्ड बना है, एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, राम की पौड़ी पर दिए जलने का रिकॉर्ड बना हुआ है। और 22 लाख दीपकों से जगमगा उठी है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। हमारे साथ लगातार स्वामी जी बने हुए। स्वामी जी, एक बार फिर से अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड टूट गया है और एक बार फिर से भगवान श्री राम की नगरी जगमगा रही है। और हमारे साथ स्वामी देवानंद जी बने हुए हैं, धर्मगुरु, उनका रुख करते हैं। स्वामी जी, एक बार फिर से भगवान श्री राम की नगरी 22 लाख दीपकों से जगमगा उठी है, और पिछली बार जो 15,91,000 दीपकों का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये तो आगाज है, अभी तो आगे पूरा पिक्चर बाकी है, मैं तो बोलूंगा ये तो ट्रेलर है, ये तो श्री राम का अभी पदार्पण भी नहीं हुआ है, उसमें यह स्थिति है भारतवर्ष की। 22 जनवरी के बाद भारत का रूप देखने को मिलेगा। और मैं पुनः उसी बात पर आऊंगा, अभी आपने जिस बात को छेड़ी थी कि विरोधियों के बारे में, जी श्री रामायण श्री रामचरित मानस के अंदर में जितने पात्र रहे हैं हमारे, वो सारे पात्र यहाँ भी कहीं योगी मोदी के रूप में देख रहे हैं, दूसरे विरोधियों के बीच में कोई ताड़का है, कोई शूर्पणखा है, तो विभिन्न प्रकार के विभीषण, ये यहाँ कोई रावण भी है, मेघनाथ भी है, सारे लोग मिल रहे हैं
तमो कमो काला, ये किस मूल के जाएंगे कभी श्री राम का दर्शन करने। ये बोलते हैं किसी की कॉपीराइट है क्या, तुमने खुद ही तो कॉपीराइट दे दिया है, तुमको किसने कहा? श्री राम के नाम से चीड़ होती है, अगर कोई श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर चालान कट जाता है और उसे जेल हो जाए या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ऐसे अगर पाप होंगे तो ये तो पाप ढूंढने वाला पाप भी नहीं है, तो ये तो राम नाम की लूट है, जो लूट सके लूट, और साने रख कर भी कुछ लोग लूट नहीं पा रहे हैं, उनके भाग्य में नहीं है। जो पाप उन्होंने किया है इस जन्म में वो ढूंढ नहीं सकता जी। स्वामी जी, भगवान तो श्री राम के नाम पर जिस तरीके से राजनीति देखने को मिलती है, क्या ये भारत में उचित है? जिस तरीके से राजनीति, चाहे वो कोई भी पार्टी है, चाहे वो कोई भी ऐसा है, देखो ये क्या है कि भगवान की लीला बोलते हैं ना जी, त्रेता में भी तो विलन थे, आज भी है जी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है और उचित अनुचित की बात है, तो ये तो सामने आ ही गया। ये उचित जो होता है वो सामने हो रहा है जी, जो अनुचित था आज वो सारे, वो आज उनका दर्शन बंद नहीं मिल रहा है, आज वो मुंह छिपाए घूम रहे हैं। इसलिए अनुचित और उचित तो जब ये मानव तल्य के पृथ्वी में व्यक्ति आया है तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब दोष तो रही गए व्यक्ति के अंदर में, किंतु जो विवेकी पुरुष है उसी के अंदर ये अवध बच सकता है, यही अयोध्या हो सकता है, अंदर में श्री राम होगा जी। लेकिन अंदर में जो रावण विराजमान है, मेघनाथ विराजमान है, वो जब नहीं निकला तो वो तो लंका है और उसका जलना अवश्यंभावी है जी। आज न कल उसका अंत होगा जी। और श्री राम का आगमन होते ही जी राम राज्य आ रहा है जी, और लंका राज का दहन होगा जी। तो 2024 में जैसे ही राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, अपने दरबार में विराजमान होंगे, उसके साथ ही राम राज्य आ जाएगा स्वामी जी। बिल्कुल, किस ओर इशारा है आपका? देखिए, जो भी पापी दुष्ट जो श्री राम के खिलाफ खड़े थे, जो श्री राम के विरुद्ध कर रहे थे, कितनों के नाम ली जाए जी जानते हैं जी, क्योंकि कभी ऐसे लोगों का नाम लेकर भी इतने पवित्र स्थान पर उनका नाम लेना भी उचित नहीं लगता। हम तो बता राम का नाम लेना है तो राम का ही लेंगे, दूसरा क्यों लेंगे जी। राम का नाम लेने वाले मरा 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 भी बोला तो भी राम हो गया जी। भाव तो ये है श्री राम के नाम में, तो वैसे तो पापियों का नाम लेना भी उचित नहीं होता। बिल्कुल स्वामी जी, इस बार 22,23,000 दीपकों से जो है वो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जगमगा रही है। अगले साल तक, अगली दीपावली तक भगवान श्री राम अपने दरबार में विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद ये संख्या और बढ़ेगी, कैसी छटा देखने को मिलेगी? अगली बार की जो दीपावली वो कितनी भव्य होगी, आप कैसी कल्पना करते हैं स्वामी जी? कल्पना से बाहर लगता है, श्री राम के आने के पूर्व ये दिशा है जो अभी देखने को दृश्य मिल रहा है। जब वो आ जाएंगे, आज तो हम अपनी ताकत लगा रहे हैं योगी जी मोदी जी का और पूरे अयोध्या वासियों का, और लेकिन और पूरे हिंदू समाज संत समाज का, जब श्री राम जब उन अविर्भाव हो चुका रहेगा तब तो वो ऊर्जा, वो कहने को क्या है, जो हम जो दृश्य जो पढ़कर शास्त्रों में समझते हैं, कल्पना करते हैं, वो कल्पना तो आज देखने को दृश्य मिलेगा अगले वर्ष से 2024 में। अपने नेत्रों से हम देखेंगे जी, जीवन सफल है जी। स्वामी जी, राम के नाम पर सवाल उठाने वालों पर ये तमाचा है आयोजन, और इतना भव्य आयोजन हुआ है स्वामी जी की जमीन पर 24 लाख दिए करीब जगमगा रहे हैं जिनकी रोशनी महसूस की जा सकती है, और आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी, और आतिशबाजी ऐसी कि पूरा आसमान अंधेरे में नहीं रोशनी में जगमगा उठा है। ये इतना भव्य आयोजन जो हो रहा है स्वामी जी, इसका देश दुनिया पर कैसा असर होगा, कैसे देखते हैं आप इसे? पूरा देश प्रकाशित हो रहा है उस आतिशबाजी और इस 24 लाख दिए वहां के प्रकाश से, पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, जन जन के आत्मा में प्रकाश आ रहा है, मस्तिष्क में प्रकाश आ रहा है, और जब तन मन आत्मिक प्रकाश होगा एक एक व्यक्ति के अंदर में, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा जो दुष्ट जो आताताई जो श्री राम के विरुद्ध खड़े थे उन्हें भी भगवान क्षमा करके उन्हें भी समाधान दे,
और उन्हें भी सही मार्ग पे ले आए, क्योंकि राम राज्य की यदि कल्पना है तो वहां दुष्टों का कोई स्थान नहीं है। तो हम तो किसी के अहित नहीं करते, आप भी गंगा नहा लो, आप भी आ जाओ और मुख्य धारा में बचे, आप भी श्री राम के ये जो पवित्र वर्षा हो रही है आप भी इसमें सराबोर हो जाओ। मैं तो यही कामना करूंगा। किसी का अहित तो हम सनातनी करते नहीं है, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं कि तुम्हारा अहित हो। जी तो स्वामी जी, तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भी फैसला आना आसान हो जाएगा? बिल्कुल होगा। हम तो अकेले रहे तो श्री राम की ऊर्जा मिलेगी। और यही बताए, श्री राम लला का यहाँ तो हो चुका है तो माता सीता क्यों नहीं? बहुतों को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। मैं यह भी बताओ कि मधुबनी में माता सीता का जन्म स्थली है, बिहार के मधुबनी स्थित है, और वहां माता सीता का 251 फीट की मूर्ति निर्माण की जा रही है। रामायण रिसर्च काउंसिल संगठन के तत्वाधान में। तो इधर श्री राम के पदार्पण होते ही अब मधुबनी में भी माता सीता का अवतरण होना प्रारंभ हो रहा है जी। और जब श्री राम तो फिर श्री कृष्ण भी आएंगे। अब त्रेता की बात हो गई, अब फिर द्वापर की बात हम करेंगे और श्री कृष्ण पे लगेंगे। और जितने हमारे इस प्रकार से जो भी अत्याचार हुआ था उन पापियों के द्वारा, अब सभी का हमारा उद्धार होना बाकी है जी। जी तो स्वामी जी, अब जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन हुआ है उस पर आपसे समझना चाहेंगे कि इसका असर हमारी युवा पीढ़ी पर क्या होगा, क्योंकि कुछ समय पहले हम अपने दर्शकों को अयोध्या से दिखा रही थी सीधी तस्वीरें जहां पर रामायण का मंचन किया जा रहा था, राम कथा पूरी सुनाई जा रही थी, दिखाई जा रही थी। और कुछ हमारे युवा है जो पाश्चात्य सभ्यता को थोड़ा बहुत अपना चुके हैं, तो अब ऐसे में इसका असर हमारे युवाओं पर जरूर पड़ेगा स्वामी जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण के कारण निश्चित रूप से हमारे समाज में जो युवा पीढ़ी है थोड़े से भटकते जा रहे हैं, किंतु शास्त्रों से विमुख होने का सबसे बड़ा कारण है कि किसी के घर पे शास्त्र यदि है भी तो वो लाल कपड़े में अच्छे बड़े सम्मान से रखकर पूजा घर के अलमीरा में है। मैं तो बोलता हूँ शास्त्र हमारे डाइनिंग टेबल में होना चाहिए और प्रतिदिन इसका पठन होना चाहिए, पठन पाठन बच्चों को जी। ये संस्कृति अब श्री राम इस ऊर्जा से लोग देख रहे हैं इस दृश्य को, तो ये भारत के जो युवा है इनके अंदर निश्चित रूप से संस्कार तो भारतीय होने का, सनातनी होने का निश्चित रूप से है। ऊपर के एक आवरण आ गया है आधुनिकीकरण का, ये बिल्कुल परिष्कृत होगा। जब हम राम राज्य की बात कर रहे हैं तो निश्चित ये भी मार्ग में ये ठीक हो जाएगा। और हमारे युवा खुद समझदार हैं और युवाओं का भी बहुत बड़ी भागीदारी हमारे समाज के नव निर्माण में आज लगा हुआ है। मैं विभिन्न संगठनों से जुड़ा हूँ और सारे संगठनों में युवाओं का जो जोश देखने को मिल रहा है जय श्री राम के प्रति जी, और उनके उद्घोष से श्री राम बोलने से लोगों को तकलीफ हो गई है। तो वैसे देखिए ना, अभी तो मैं देख रहा हूँ जींस पहने हैं और टैटू लगाए हैं, वो त्रिकुंड भी लगाते हैं युवा, हट्टा कट्ठा कड़ा भी पहने हैं और मोटा धागा भी बांधे हैं और जय श्री राम कहते हैं, तो कलेजा ऊंचाता से बजरंगियों से तो हमारा राम राज्य स्थापना होना है जी। बिल्कुल स्वामी जी, तो इसका असर युवाओं में तो देखने मिलता ही, और इसकी वानगी है जब 50,000 वॉलंटियर इस दीपोत्सव में शामिल हुए हैं। हमारे साथ मशहूर संगीतकार गीतकार अनूप जलोटा जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं जी। ठीक है, अनूप जलोटा जी नहीं जुड़े हैं अभी, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं राम मंदिर की, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। और अब से कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को गर्भगृह के दर्शन भी करा रहे थे, जो कि लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और 22 जनवरी 2024 वो तारीख जब भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजा अर्चना होगी और देशवासी उनका स्वागत करेंगे। इसकी वानगी इस त्यौहार से सजावट से लगाया जा सकता है, जब जमीन पर 24 लाख दिए जल रहे हैं और आसमान में भव्य आतिशबाजी हो रही है। तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जगमगा उठी है, आतिशबाजी की जा रही है और वहाँ पर 22,23,000 दीपकों का रिकॉर्ड बना है, जो वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में दर्ज किया गया है।
हिंदी खबर पर लगातार महाकवरेज आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत की, किस तरीके से भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ और उसके बाद फिर किस तरीके से 54 देशों के प्रतिनिधियों के सामने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम जो है उसको शुरू किया गया, सरयू नदी की आरती, इन तमाम कार्यक्रमों को हिंदी खबर पर महाकवरेज के जरिए दिखाया गया। और अब लगातार आपको ये आतिशबाजी दिखा रहे हैं, जो दीपावली से छोटी दीपावली वाले दिन की ये खूबसूरत जो तस्वीर है वो अयोध्या में देखते ही बन रही है। आज भगवान श्री राम अयोध्या पहुँचे हैं और उनके पहुँचने पर अयोध्यावासी किस तरीके से अपने भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं, ये तस्वीरें हिंदी खबर पर आपको दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलित किए गए हैं, दीपों का एक बड़ा रिकॉर्ड बन के तैयार हुआ है और उसे वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में दर्ज किया गया है और इसके गवाह बने हैं 54 देशों के प्रतिनिधि, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण और विधायकगण। आज अयोध्या में न सिर्फ अयोध्यावासी हैं बल्कि देश और दुनिया के तमाम वो लोग जो भगवान श्री राम में गूढ़ आस्था रखते हैं, जो भगवान श्री राम को अपना मतलब सब कुछ मानते हैं, वो आज अयोध्या पहुँचे हैं और अपनी दीपावली अयोध्या में ही मना रहे हैं। और ये तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं ये उन दीपकों की है जिनसे बनकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार हुआ है। और हमारे साथ गायक अंजलि द्विवेदी जुड़ चुकी हैं। अंजलि जी, हिंदी खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भक्ति हो वो बिना संगीत के पूरी नहीं की जा सकती और आप एक बहुत अच्छी लोक गायिका है, आप बहुत अच्छी गायिका है, आप अपने स्वरों के माध्यम से भगवान श्री राम की किस तरीके से आराधना करेंगी? अंजलि जी, बिल्कुल जी, सभी देशवासियों को मुझे अंजलि द्विवेदी की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे लिए और हमारे पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि इस बार दीपावली एक बार नहीं, हम दो दो बार मनाने जा रहे हैं, एक कल और दूसरी जनवरी यानी 22 जनवरी को एक बार फिर से जब मनाएंगे, जब हमारे अयोध्यापति राजा राम अपने महल में जाएंगे तो तब भी हर्ष और उल्लास के साथ में मनाई जाएगी। इसी उपलक्ष में हमने एक गीत तैयार किया है जिसकी दो लाइनें मैं गुनगुनाना चाहूंगी। स्वागत है। सजी अयोध्या नगरी देखो, सजी अयोध्या नगरी, जनता खुश है हिंदुस्तान की, सजी अयोध्या नगरी, जनता खुश है हिंदुस्तान की, देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की, देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की, दुल्हन सी सज गई अयोध्या, जनता खुश है हिंदुस्तान की, दुल्हन सी सज गई अयोध्या, जनता खुश है हिंदुस्तान की, देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की, देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की, जय सिया राम। क्या बात है, 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद इस कलयुग में भगवान श्री राम की घर वापसी हो रही है, अयोध्या में भगवान श्री राम वापस पधारने जा रहे हैं। और आज भी आपने देखा किस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो कितनी मनमोहने वाली हैं। भगवान श्री राम के स्वागत में आप किस तरीके से अपनी पंक्तियों के माध्यम से उनका सत्कार करेंगी, उनका गुणगान करेंगी? अंजलि जी, वाकई ये बहुत ही हर्ष का विषय है हम सभी देशवासियों के लिए, और क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में जाती हूँ और पूरे हिंदुस्तान में देखती हूँ जगह जगह प्रभु श्री राम के चर्चे होते हैं। अब क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो लोगों की अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा ही रहती हैं कि मैं कुछ सभी को जानकारी पहुँचाऊँगी, कुछ प्रभु श्री राम की बातें पहुँचाऊँगी, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का विषय रहता है हर बार। तो इस बार भी मैं हर बार की तरह यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश के दो ऐसे नायक हैं जिन्होंने ये कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से किया, जन जन तक एक ऐसी सोच पहुंचाई है, जन जन तक एक उम्मीद पहुंचाई है जो पिछले 500 वर्षों का इंतजार था जो अब आके पूरा हुआ है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है हम सभी के लिए। मैं जी, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे लिए लोग क्या क्या कितनी खुशी की बातें कहते हैं, मैं आप सबके सामने वो परोस भी नहीं सकती हूँ, मैं कितनी एक्साइटेड रहती हूँ कि जब मुझसे लोग पूछते हैं कहाँ से हैं आप, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जन जन एक ही बात अब कहता है, बच्चा बच्चा जय श्री राम के गुण गाता है। जी अंजलि मैम, जी
जी, मैम, मैं आपकी भी आवाज़ बच्चे आपकी बच्चे से आवाज़ के कहना चाहती हूँ। बहुत 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 आपकी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं, और जाहिर सी बात है हिंदी खबर के दर्शक भी यही चाहेंगे कि जब आप हिंदी खबर पर मौजूद हैं तो वो दो पंक्तियां भगवान श्री राम के स्वागत के लिए जो आपके सबसे पसंदीदा हों। अवधपुरी वालों खुशियां मना लो, अवधपुरी वालों खुशियां मना लो, अयोध्या में मेरे रामा रहे हैं, अयोध्या में मेरे रामा रहे हैं, तंबू से निकले मंदिर के अंदर, तंबू से निकले मंदिर के अंदर, करने प्रभु विश्व राम रहे हैं, करने प्रभु विश्व राम रहे हैं, अवधपुरी वालों हिंदुस्तान वालों खुशियां मना लो, हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। क्या बात है, जी क्या बात है। अंजलि जी, आपने का आपका ये जो भजन है ये तो आज के परिप्रेक्ष्य को जो है पूरा उसका उदाहरण है कि भगवान श्री राम वापस आ रहे हैं। आप खुद अपनी गीत लिखती हैं? हमारे गीत पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में, बाबा ने इतने अच्छे अच्छे सेवक अपने बिठा रखे हैं प्रभु श्री राम ने, कि कहीं हमारे भजन कलकत्ता से आते हैं, कभी बॉम्बे से आते हैं, तो कभी पंजाब से, राजस्थान से, हर प्रदेश से मेरे पास बाबा के अनन्य भक्त पहुंचाते हैं, और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। जी, जी भगवान श्री राम की जब जिक्र किया जाता है तो भगवान श्री राम के उस पल का बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया जाता है जब वो माता सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं। तो भगवान श्री राम जी को जब माता सीता देखती हैं तो किस तरीके से वो अपने अंदर एक छवि बनाती हैं, वो आपके एक भजन के माध्यम से हम सुनना चाहेंगे मैम। ये सारी आप मुझे बताते, मैं इतनी सारी प्लानिंग करती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ स्वागत कि है मैम। मैं आपकी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ, जी जन जन तक पहुँचा सकूँ। मैं जो हिंदुस्तान के सभी चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जी मैं आप सभी तक यही बात पहुँचाना चाहूंगी कि जो विदेशी कल्चर लोगों ने अपना लिया था, हाय हेलो, हमें उसको जहाँ से वो आया है उसको वहीं वापस भेजना है, क्योंकि हमारा जो जो हमारे देश की संस्कृति सभ्यता और साहित्य है वो यही सिखाता है, राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहुँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी हो, द्रुपद सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए, भक्ति का और आध्यात्मिकता का आपस में जो परस्पर संबंध है वो बड़ा अलौकिक है। मीरा ने भी भक्ति बिल्कुल करी तो भगवान श्री कृष्ण को मनाया, भगवान जी राम की अगर जिक्र करते हैं, भगवान राम की भक्ति की बात करते हैं तो भगवान राम को लेकर के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितनी खूबसूरती के साथ इस चीज़ का वर्णन किया है। तो भक्ति संगीत और भक्ति का आप किस तरीके से दोनों का समावेश करती हैं, कैसे देखती हैं दोनों चीज़ों को? मैं बहुत अच्छे से समावेश करने की कोशिश करती हूँ, और मैं वही कहना चाहती हूँ जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन हमारे देश की बनी हुई है, जो परिस्थिति अभी जो देखने में आ रही है, कि भारत अब वो देश बन चुका है जहाँ के सभ्यता साहित्य संस्कार अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ बच्चे बच्चे अब राम राम कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देख के ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि हमारा देश राम राज्य की ओर पहुंच रहा है, विश्व गुरु बनने के पटल की ओर पहुंच रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और ये जीत क्यों हुई, कैसे हुई, इसके लिए हम सब वाकई जो देख रहे हैं गवाह बन
बनेंगे और बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, एक वो, और जहां उत्तर प्रदेश में श्री रामचंद्र जी महाराज, और जहां मैं भी अंजलि द्विवेदी नाथ नगरी बरेली से उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये दो एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने जो कभी नहीं सोचा था वो अब कर दिखाया है, हमारे देश को जो उम्मीद दिलाई है कि राम राज्य बनने वाला है। मैं इसी उपलक्ष में दो लाइनें गुनगुनाना चाहूंगी जो हमने अभी जल्दी में ही एक गीत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। स्वागत है। हिंदुस्तान में सतयुग वाला, हिंदुस्तान में सतयुग वाला दौर जल्दी ही आएगा, हिंदुस्तान में सतयुग वाला दौर जल्दी ही आएगा, राम को चाहने वाला अब राम का देश चलाएगा, राम को चाहने वाला अब राम का देश चलाएगा, चारों दिशाओं में भगवा हो, चारों दिशाओं में भगवा अब लहर लहर लहराएगा, राम को चाहने वाला अब राम का देश चलाएगा, राम को चाहने वाला अब राम का देश बहुत चलाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आवाज के मालकिन हैं द्विवेदी जी आप, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी हिंदी खबर के साथ जुड़ने का, स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत आभार हिंदी खबर पर जुड़ने के लिए। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर से पहले की जो झलक है वो हम सभी ने देखी। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।